इतनी बुलंदी पे पहुंचने के बाद दिल में आया जरा सा भी कि यार बस अब नहीं हो पाएगा, नहीं करते? आवाज रुकी जी गुलफाम, आवाज आ रही है आपको? मुझे तो बचपन से शौक था कि पाकिस्तान का नाम मैं रोशन करूं, ठीक है। बचपन में हम पैदल जाते थे पाकिस्तान के फ्लैग लेके, फिर थोड़े बड़े हुए साइकिलों पे, फिर ऐसे बाइकों पे, फिर मैं पाकिस्तान में रैली में निकालता रह गया। मैं दुबई में था तो मैं सोच रहा था कि मैं इस बार कोई एक अनोखा कारनामा करूं और दुनिया को दिखाऊं, पाकिस्तान का नाम बुलंद हो। मैंने अपने दोस्तों से मशवरा किया, उन्होंने सोचा कि ये आप काम डेंजर कर रहे हैं, आपको कुछ हो सकता है, आपने पहले कभी नहीं किया। मैंने दिल को मुतमिन किया और या अल्लाह मदद का नारा लगाया, या अली मदद का नारा लगाया, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। उसके बाद मैंने छलांग लगा दी। गुलफाम मुझे एक बात बताइएगा, आमतौर पर ये होता है, वो तो ठीक है कि आपके अंदर एक पैशन था, जज्बा था कि मुझे मुल्क का नाम रोशन करना है, लेकिन स्काई डाइविंग आमतौर पर लोग जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन करते, मतलब जाहिर है एंजॉयमेंट के लिए की जाती है। ये ख्याल आपको कैसे आया कि मुझे स्काई डाइव करते हुए तो परचम लहराना है, ये आइडिया कैसे आया? वहीं तो मैडम आपको बता रहा हूँ कि मुझे बचपन से शौक था कि पाकिस्तान का नाम मैंने रोशन करना है। मैं उधर यूएई में था, सोचा कि शौक को लेकर के किसी भी लेवल तक जा सकते हैं, यानी नेक्स्ट ईयर जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गुलफाम साहब एवरेस्ट की चोटी पे खड़े होंगे पाकिस्तान का परचम लेके। यही जज्बा हमें चाहिए हर पाकिस्तानी से। मुझे बताइएगा स्काई दुबई के जरिए जो आपने किया था, और रिपोर्ट में हमें यह भी पता चला कि आपने उनके साथ कोलैब किया था, यानी उन्हें पहले बताया था कि मैं ये करने जा रहा हूं, तो स्काई दुबई जो कि शेख हमदान की अपनी कंपनी है, दुबई के मालिक हैं वो, उन्होंने कंपनी के जो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने आपको ये कहा कि ना करें, रिस्क है। क्या मामला क्या हुआ था, किस तरीके से बात हुई थी, जरा उसकी डिटेल बताएं। देखें, उन्हें मैंने ये सारी बात बताई थी कि मैंने पाकिस्तान शर्ट के साथ, पाकिस्तान फ्लैग के साथ करना है। उन्होंने कहा कि आप देख लें, आप मुतमिन हैं, अगर आप कर सकते हैं तो कर लें। तो मैंने आप देख लें, फिर मैंने किया और उन्होंने इजाज़त दे दी मुझे फिर करने की। जबरदस्त। तो कितने दिन की ट्रेनिंग, सॉरी आप पूछ लीजिए। नहीं आप कितने दिन की ट्रेनिंग ली थी, मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमने देखा कि आप हेल्पर के साथ गए हैं, तो कितने दिन की आपने जो है वो ट्रेनिंग ली है इसके लिए? ट्रेनिंग थी मेरी मेबी 8 से 10 दिन की ट्रेनिंग थी, और साथ हेल्पर था, वो मुझे बता रहा था कि ऐसे ऐसे करने आप, आपने कभी कभी हवा का प्रेशर तेज़ होता है तो बैलेंस इधर उधर हो जाता है, तो दो बंदे हम होते हैं तो बैलेंस ठीक रह जाता है हमारा। अच्छा गुलफाम, इफ़ यू डोंट माइंड, मुझे ये बता सकते हैं आप कि इस पर आपका एक्सपेंस कितना आया? सॉरी आवाज़ नहीं आ रही, सॉरी। एक्सपेंस कितना आया आपका? एक्सपेंस हो गया है डेढ़ लाख। सही, जबरदस्त। अच्छा मैं असल में जो चीज़ आपसे पूछना चाह रही थी ना, बाज़ूकात ये होता है कि दोस्त मशवरा देते हैं कि भाई तुम स्काई डाइविंग तो करने जा रहे हो, क्यों ना परचम लहराया जाए आसमान से, तो ये आइडिया किसी ने दिया या आपने खुद सोचा, कैसे ख्याल आया आपको? ये मैंने खुद ही आइडिया सोचा था। हर 14 अगस्त आती है ना, मैं सोचता रहता हूँ कि मैंने इस 14 अगस्त पे क्या करना है, कोई एक अनोखा कारनामा। तो आप दुबई में ही रहते हैं या पाकिस्तान में होते हैं? मैं दुबई में होता हूँ। अच्छा अच्छा, पाकिस्तान छुट्टियों में आया हूँ। कितनी अरसे से मुकीम है वहाँ पे आप? 5 ईयर। जामियात में चलता गोरख धंधा, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक, बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकायक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।